अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं ईथरनेट के बारे में कि ईथरनेट क्या है, इसका क्या काम है। तो बग़ैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। ईथरनेट, व्हाट इज़ ईथरनेट? तो ईथरनेट जो है ये लैन नेटवर्क प्रोटोकॉल है, ये लैन नेटवर्क टेक्नोलॉजी है। अब ये लैन नेटवर्क क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क को हम बोलते हैं लैन नेटवर्क। अब ये लोकल एरिया नेटवर्क क्या है? जो अपनी बिल्डिंग्स के लिए जो हम अपना एक नेटवर्क बना रहे हैं, दैट इज़ लोकल एरिया नेटवर्क। एक बिल्डिंग के लिए या दो बिल्डिंग्स के लिए जो हम अपने लिए जो नेटवर्क बना रहे हैं, दैट इज़ लोकल एरिया नेटवर्क। तो लैन नेटवर्क टेक्नोलॉजी है ईथरनेट। लैन नेटवर्क के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। अब ये प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? प्रोटोकॉल्स हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये जो रूल्स होते हैं नेटवर्क के अंदर कि नेटवर्क को कौन कौन से यूज़र जो एक्सेस कर पाएंगे, किस तरह से नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन होगी, किस तरह से एक यूज़र दूसरे यूज़र को डाटा सेंड कर पाएगा, किस तरह से यूज़र जो है नेटवर्क यूज़र जो है नेटवर्क रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाएंगे, दीज आर दी प्रोटोकॉल्स। ये रूल्स हैं, लैन प्रोटोकॉल्स, ये रूल्स होते हैं लैन नेटवर्क के। इन लैन प्रोटोकॉल्स को, इन रूल्स को हम बोलते हैं ईथरनेट। ओके, ईथरनेट एक लैन नेटवर्क टेक्नोलॉजी है। लैन नेटवर्क के प्रोटोकॉल्स हैं जिनकी मदद से नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन हो सकती है, नेटवर्क के अंदर यूज़र जो हैं अपने रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं, नेटवर्क के अंदर यूज़र जो हैं नेटवर्क की जितनी भी चीज़ें हैं उनको एक्सेस कर पाते हैं। इन शॉर्ट, फिर से बोलता चलूँ, ईथरनेट क्या है? ईथरनेट लैन नेटवर्क टेक्नोलॉजी है। इसको हम लैन नेटवर्क प्रोटोकॉल्स बोलते हैं, ऐसे प्रोटोकॉल्स जिनकी मदद से यूज़र जो है किसी नेटवर्क को एक्सेस कर पाता है, यूज़र जो है एक दूसरे को डाटा जो है वो सेंड कर पाते हैं, यूज़र जो है नेटवर्क के रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाते हैं। तो चलिए अब इसको लफ्जी तौर पर पढ़ते हैं। ईथरनेट, पॉइंट नंबर वन, ईथरनेट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड लैन प्रोटोकॉल। ईथरनेट जो है लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर होने वाले, यूज़ होने वाले जो प्रोटोकॉल्स हैं हम उनको ईथरनेट बोलेंगे। ये एक नई टेक्नोलॉजी है। नंबर टू, इट यूजेज अ हाई स्पीड नेटवर्क केबल, इट इज़ इनएक्सपेंसिव एंड ईजी टू इंस्टॉल। ओके, ये एक हाई स्पीड नेटवर्क केबल है जिसकी मदद से हमारा डाटा स्पीड से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहा होता है, कम्युनिकेशन अच्छी होती है। हम इसको इजीली नेटवर्क में इंस्टॉल कर सकते हैं, नेटवर्क इजीली बन सकता है हमारा इसकी मदद से। नंबर थ्री, ऑल कंप्यूटर्स इन ईथरनेट यूज सेम केबल टू सेंड एंड रिसीव डाटा। नेटवर्क के अंदर जितने भी कंप्यूटर सिस्टम्स होंगे वो सारे के सारे सेम केबल को यूज़ करेंगे अपने डाटा को सेंड या रिसीव करने के लिए। नंबर फोर, दे मस्ट फॉलो द सेम रूल्स फॉर कम्युनिकेशन। और नेटवर्क के अंदर जितने भी कंप्यूटर सिस्टम होंगे उन सब को सेम रूल्स फॉलो करने होंगे कम्युनिकेशंस के लिए। जो प्रोटोकॉल्स बना दिए गए उन प्रोटोकॉल्स को उनको फॉलो करना होगा, दैट इज़ द ईथरनेट। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की ईथरनेट के बारे में। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।